हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर ऑल सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा हल्दी मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गए हैं एंड आप घर पर ही किस तरीके से हल्दी मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो गाइस, ये जो आप मेकअप लुक देख रहे हैं, इसे क्रिएट करना बहुत ही इजी है। आप खुद से इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को किस तरीके से क्रिएट किया है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं सबसे पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, सुपर हाइड्रेट करने के लिए यूज कर रही हूँ निव्या का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर थोड़ा सा मसाज देते हुए अप्लाई कर लूंगी। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले आईज मेकअप से, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को कॉम कर ले रही हूँ एंड मार्स की आईब्रोज पैलेट से आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूंगी। सो यहाँ पर आप आईब्रोज पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, जेल लाइनर का भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी चीजें पसंद है, जो आपके लिए इजी लगता है कि आप उसको यू नो अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उससे अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लें। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ NYV का कंसीलर एंड इससे मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी, ताकि जो मेरी आईब्रोज हैं वो नीट एंड क्लीन दिख सके। साथ ही साथ मैं इसे अपनी आईलेट पर भी अप्लाई करूंगी। अब इसे एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का ये लूज पाउडर एंड इससे मैं कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूंगी जिस एरिया पर मैंने यू नो कंसीलर अप्लाई किया है। तो ये है हल्दी मेकअप लुक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आईस मेकअप, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर स्टूडियो की ये आई शेडो पैलेट एंड इससे मैं सबसे पहले जो कलर पिक कर रही हूँ वो है ब्राउन कलर। तो मैंने ना गाइस एक छोटा सा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इससे मैंने ब्राउन कलर को लेके जस्ट अपनी क्रीज लाइन पर क्रिएट किया है, ताकि मुझे मतलब क्रीज लाइन अच्छे से देख सके। तो इसे मैं केवल क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड ऐसे ही मैं आउटर वी पर भी इसे ब्लेंड करूंगी। तो गाइस, आईज मेकअप का सबसे बेस्ट पार्ट होता है अच्छे से ब्लेंडिंग आपको करना आना चाहिए। मेकअप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट किस तरीके से उसको किया जाता है, यू नो ब्लेंड आउट किस तरीके से करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जितना ही अच्छे से हम जब ब्लेंडिंग का पार्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा यू नो आईज मेकअप आता है। तो बातों ही बातों में आगे बढ़ते हैं। एंड मैंने जो सेकेंड कलर पिक किया है वो हल्का सा यू नो लेमेंडर सेड था, कह सकते हैं आप थोड़ा सा रेड चेरी सेड में ही था। तो इसे भी मैंने अपनी क्रीज लाइन के अपर थोड़ा सा लगाते हुए एंड आउटर वी पर भी इसे अच्छे से प्रेस किया है एंड अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने एक और ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इसे मैं क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी, ताकि जितनी भी हार्श लाइन दिख रही है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए एंड पूरी आईलेट पर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद मैं आउटर वी पर यही कलर फिर से एक बार प्रेस कर रही हूँ, ताकि आउटर वी है जो वो थोड़ा सा डार्क शेड दिख सके। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी आईलेट पर भी अप्लाई कर लूंगी। सो गाइस, कट क्रीज के लिए मैं एक बार फिर से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे आईलेट पर अप्लाई करने के बाद मैं ऊपर की साइड देख रही हूँ, ताकि जो क्रीज लाइन है उस पर मुझे पता चल सके कि मेरी क्रीज लाइन कहाँ तक जा रही है एंड केवल मैं उतनी एरियाज पर ही इसे अप्लाई करना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आपको अगर नहीं क्रीज लाइन अपनी समझ में आती है तो आईलेट पर लगाइए एंड जस्ट ऊपर के साइड देखिए, तो वो क्रीज लाइन पर भी जो कंसीलर होगा वो लग जाएगा एंड वहां से आपको आइडियाज लग जाएगा कि क्रीज लाइन हमारी आईज की केवल यहाँ तक है। तो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कंसीलर को अपनी इनर कॉर्नर से लेकर क्रीज लाइन से लेते हुए मिड तक अप्लाई करूंगी। इसी एरियाज पर मुझे येलो कलर को प्रेस करना है, इसलिए मैं केवल उतनी एरिया पर ही इसे अप्लाई करूंगी। सो आफ्टर कंसीलर मैंने इसे सेट भी कर लिया है लूज पाउडर से। तो सेम पैलेट से मैं येलो सेट को लेकर आईलेट पर प्रेस कर रही हूँ। तो मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, केवल उस जगह पेस्ट करूंगी कलर को, ताकि जो येलो कलर है वो एकदम पॉपअप होके आए, एकदम हाईलाइट हो। तो मैं उस जगह केवल इसे पेस्ट कर रही हूँ, नॉट ब्लेंड।
सो अगेन मैं रेड चेरी सेट को लेकर जो हार्स लाइन दिख रही है येलो एंड रेड के कलर के बीच में, तो मैं इस हार्स लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि अगर इसको आप ब्लेंड नहीं करते हैं तो ये बहुत अलग सा दिखता है एंड डिफरेंट लगता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको जरूरी है कि जितनी भी हार्स लाइनें होती हैं आइस मेकअप में उसे अच्छे से कम्प्लीटली ब्लेंड करना। तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ एंड आइस मेकअप कम्प्लीट हो चुका है। तो अब मैं एक वेट वाइप्स की हेल्प से जितना भी डस्ट आउट प्रोडक्ट है उसे अच्छे से क्लीन कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ हिलेरी हुडा का प्राइमर एंड इसे मैं अपनी पोर्स एरियाज पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो गाइस प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस के लिए लगाते हैं तो प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो आपके स्किन एंड कोई भी प्रोडक्ट के बीच में एक बैरियर का काम करता है, एक डोर का काम करता है जो आपकी स्किन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इसलिए प्राइमर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का ये फाउंडेशन एंड ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है इन द शेड नंबर 128 फॉर्म न्यूड। सो ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है एंड इवन ये थोड़ा सा ब्राइट लगता है बट थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसे मैं अपने फेस पर छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करूंगी एंड उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो अगेन मैं NYB का कंसीलर ले रही हूँ एंड फॉर फेस स्ट्रक्चर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी उस एरियाज पर जिस एरिया को मुझे अच्छे से हाइलाइटिंग पोर्शन दिखाना है। तो कंसीलर केवल फेस स्ट्रक्चर के लिए ही अप्लाई करती हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो पूरे फेस को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वही इनसाइड का लूज पाउडर एंड इससे पूरे फेस को अच्छे से सेट कर दूंगी। सो ये बनाना लूज पाउडर है थोड़ा सा येलो टोन में, तो ये बहुत ही अच्छा अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छा करता है, स्किन को स्मूथ कर देता है, मैट फिनिश प्रोवाइड करता है। सो या गाइस बारी आती है कंटूर करने की, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सुगर की पैलेट एंड इससे मैं अच्छे से फेस कंटूर कर लूंगी। इस पैलेट में खास बात मुझे ये लगी कि ये बहुत ही नेचुरल मेकअप करता है, इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही नेचुरल है, लगता ही नहीं है कि मतलब आपने कोई हैवी चीज़ कोई लगा ली है। तो इसी पैलेट से मैं कंटूर भी यूज़ कर रही हूँ एंड इसी पैलेट से मैं हाइलाइटर एंड ब्लशर भी यूज़ करूँगी एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिगमेंटेड है, प्लस साथ ही साथ ये मतलब बहुत ही सुंदर नेचुरल ग्लो दे रहा था। तो ये प्रोडक्ट से तो मेरा दिल खुश हो गया है एंड इसे मैंने जस्ट पहली बार परचेस किया है एंड पहली बार यूज़ किया है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगेन मैं छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेकर जो मैंने आईलेट पर कलर फर्स्ट टाइम यूज़ किया था उसी कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट बारी आती है लाइनर की, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का लाइनर एंड इसे मैं अच्छे से विंग्स क्रिएट करूँगी। तो नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन ग्लिटर लाइनर एंड इसे मैं अपनी आईलेट की क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी, केवल आधे तक जहाँ तक मेरा येलो टोन का आई शेडो लगा है केवल उस एरिया तक मैं इसे क्रीज लाइन तक अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो अब मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मेकअप फिक्सर एंड इससे मैंने मेकअप को अच्छे से लॉक कर दिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये सुपर कर्ल मस्कारा एंड इससे मैं अपनी लैसेस को अच्छे से कर्ल कर लूंगी। एंड गाइस ये जो मस्कारा ये बहुत ही अच्छा है, ये मतलब क्विक वर्क करता है। तो फॉर हाइलाइटर मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ सुगर की पैलेट से ही एंड इससे मैं अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी एंड इसके बाद लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर की लिपस्टिक जो बहुत ही खूबसूरत सा कलर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक है। सो आई जस्ट लव इट बिकॉज इससे पहले मेरे पास सुगर के प्रोडक्ट नहीं थे, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही परचेस किया एंड फर्स्ट टाइम ही यूज किया है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो आई होप यू गाइस यू लाइक दिस लुक एंड यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो टेक अ लिटिल मोमेंट, हिट ऑन द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कमेंट बिलो। सो फिर मिलूंगी गाइस कुछ इसी तरीके के बेहतरीन लुक के साथ, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, खुश रहें एंड खुशियां बांटें एंड अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।